एक लड़की थी क्लासेस में, तो बेसिकली जब आपको स्टार्टिंग में कोई पसंद आता है तो आप एक खुद के एक छोटे मोटे क्यूट सिनेरियोस दिमाग में प्लान करते हैं कि ऐसा करने मिल जाए तो अच्छा होगा, वैसा करने मिल जाए तो अच्छा होगा। तो वैसे ही मैंने सोचा था कि अगर किसी दिन ज़ोर से बारिश हो और एक छाते के नीचे दोनों को जाने मिल जाए स्टेशन तक, 5 मिनट का रास्ता था क्लासेस से स्टेशन तक का, बट इतनी सी ख्वाहिश थी। बट ऐसा कभी हुआ नहीं, भले मैंने कोशिश बहुत की, जान बुझ के चाहता घर पे छूट के आया, बट कभी आगे पीछे निकल रहे थे, कभी कोई दोस्त मिल जाता कह रहे मेरे साथ चल, मतलब किस्मत काफ़ी ख़राब थी इसमें। तो इसी पे लिखा है कि फ़कीर से शहज़ादा बनने का मौका दे जाती है ये किस्मत भी, कैसों को क्या क्या दे जाती है। फ़कीर से शहज़ादा बनने का मौका दे जाती है ये किस्मत भी, कैसों को क्या क्या दे जाती है, पर जिस दिन बिन छतरी में उससे मिलने निकलता हूँ ये मुंबई की बारिश भी धोखा दे जाती है। पर ये तो नहीं हुआ, पर बातें फिर भी हुई, बातें चालू हुई। जब बातें होंगी तो झगड़े भी होंगे, तो कभी छोटे मोटे झगड़े होते थे तो सामने से होता था कि मैं बात नहीं करूँगी, मुझे मिलना नहीं है, संडे का प्लान कैंसिल। तो इस पे मैं बोलता था कि ठीक है बात नहीं करनी, ठीक है कोई बात नहीं, पर मिल लेते हैं, मिलना कैंसिल नहीं करते। तो बट नहीं सुनते, तो इस पे मैंने ये लिखा था कि 4 लाइन का है कि अपने सब्र को मैं तेरे लिए परखता रहूँगा, अपनी जान तेरी हथेली पर मैं रखता रहूँगा, अपने सब्र को मैं तेरे लिए परखता रहूँगा, अपनी जान तेरी हथेली पर मैं रखता रहूँगा, और तू नाराज़ है तो ठीक है मत करना मुझसे बात, तू नाराज़ है तो ठीक है मत करना मुझसे बात, बस मिलने आ जाना मैं तुझे तकता रहूँ। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि तू कब से शायर बन गया, कब ये सब क्या लिखने लगा, तो सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो ये सब थोड़ा कह रहे कब से करने लगा ऐसे कब गया, तो मैं बोलता हूँ कि शायर वायर कुछ नहीं हूँ मैं, बस जो उससे बोल नहीं पाता वो लिख देता। तो इसको ही एक्सप्लेन करते हुए 4 लाइन लिखा था कि तू मिली थी जहाँ आखिरी दफ़ा, वहाँ से लौट कर मेरी रूह नहीं आती। तू मिली थी जहाँ आखिरी दफ़ा, वहाँ से लौट कर मेरी रूह नहीं आती, कोशिश तो करता हूँ बहुत पर किसी और के लिए वो जुस्तजू नहीं आती। तू मिली थी जहाँ आखिरी दफ़ा, वहाँ से लौट कर मेरी रूह नहीं आती, कोशिश तो करता हूँ बहुत पर किसी और के लिए वो जुस्तजू नहीं आती, और जला के राख कर दी मैंने वो हर किताब मेरे गज़लों की, जला के राख कर दी मैंने वो हर किताब मेरे गज़लों की, जिसके हर पन्ने से तेरी खुशबू नहीं आती। तो हम दोस्त लोग जब पीने बैठते हैं कभी तो अक्सर ये सब बात होती है कि सब किसके लिए लिखता है, मतलब कोई होगी कैसी है वो, व्हाट इज शी लाइक। तो उसी पे लिखा है कि कुछ ऐसी है वो, कि मौजूदगी से इसके सवर ना जाए ऐसे कोई हालात नहीं है, मौजूदगी से उसके सवर ना जाए ऐसे कोई हालात नहीं है, और हुस्न तो भरा पड़ा है शहर में पर उसकी किसी में भी बात नहीं है, दिखती तो है सीधी सादी सी लेकिन अंदर से परियों के जैसी है, कुछ ऐसी है कुछ ऐसी है। कि चेहरे से उसके है नूर टपकता, लफ्ज़ों में उसके तराने मिलेंगे, चेहरे से उसके है नूर टपकता, लफ्ज़ों में उसके तराने मिलेंगे, इस शहर की हर गली में तुमको उसके हंसी के दीवाने मिलेंगे, रातों को मेरे करीब है रहते। आप सोच लोगे काफ़ी कुछ नसीब हुआ, बट ऐसा नहीं, आगे ये भ्रम तोड़ता हूँ मैं आगे कि रातों को मेरे करीब है रहती, कंबक खाबों के जैसी है कुछ ऐसी है कुछ ऐसी है। तो ये कहते हैं कि असली आग वही है जो लोहा पिघला दे, तो वैसे ही असली हुस्न वही है जो शराफत को पिघला दे। तो उसी पे आगे के 4 लाइन लिखे हैं कि बातों में उसकी मधोशी सी है एक आंखें नशीली जाम सी है, बातों में उसकी मधोशी सी है एक आंखें नशीली जाम सी है, सीधे साधे शरीफों के बस्ती में अदाएं उसकी बदनाम सी है, दिन भर है मेरे ख्यालों में रहती, खुशनुमा यादों की जैसी है कुछ ऐसी है कुछ ऐसी है। तो आखिरी 4 लाइन ये है कि महफिल में जहाँ नज़र पड़ जाए हर होठ पे उसका नाम मिले, महफिल में जहाँ नज़र पड़ जाए हर होठ पे उसका नाम मिलेगा, एक दफ़ा उसका दीदार जो कर ले उसको भी यही अंजाम मिलेगा, आने से उसके हर शाम ढल जाए, भीगे बरसातों की जैसी है कुछ ऐसी है कुछ ऐसी है।